शेखपुरा जिला के धर्मपुर गांव में राष्ट्रीय महामंत्री पवन देव चंद्रवंशी ने कहा कि समाज एकजुट होकर गांधी मैदान की धरती पर महारैली के सफल बनाने के लिए आयोजन किया गया है। आज दिनांक 25/11/2018 को धर्मपुर गांव में जाकर चंद्रवंशी समाज के साथ बैठक की। 2 दिसंबर 2018 को पटना में आयोजित चंद्रवंशी आरक्षण महारैली के सफल बनाने के लिए आयोजन किया गया। पटना से चलकर और बिहार के विभिन्न जिलाओं का दौरा करते हुए और शेखपुरा जिला के धर्मपुर प्रांगण में हम यहां उपस्थित हुए। धर्मपुर गांव में चंद्रवंशियों की जो हमारी आबादी है, हमारी आबादी यहां पर 4 से 5 हजार की आबादी है चंद्रवंशी। और हमने इस देश के अंदर जो चंद्रवंशियों की आबादी करोड़ों में है, वहीं बिहार में हमारी चंद्रवंशी की आबादी 70 लाख। और ये बात हम निरंतर कई वर्षों से हमारे साथ बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सुभाष प्रसाद चंद्रवंशी साहब हैं, हमारे साथ पटना से चलते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रंजीत बाबू हैं, बिहार प्रदेश के सम्मानित महामंत्री श्री पूजन बाबू हैं, शेखपुरा जिला के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अजय चंद्रवंशी जी हैं। हमने संगठन के माध्यम से लगातार निरंतर अपने उस समाज के संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया और ये लड़ाई निश्चित तौर पर भारत के 72 वर्षों के आजादी के अंतराल के बाद भी जो चंद्रवंशियों की स्थिति राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति है, वो निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति से भी दयनीय है। ये बात बिहार सरकार ने अनुग्रह नारायण शोध संस्थान से रिपोर्ट तैयार कराकर भारत सरकार को भेजी और उसमें स्पष्ट ये बात आई है, सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस राज्य के अंदर जो चंद्रवंशियों की स्थिति है वो अनुसूचित जाति से भी दयनीय है। और इसलिए कि क्योंकि जहाँ तक इस देश के संविधान में कई ऐसी जातियाँ हैं जिनको अनुसूचित जाति के अंदर और जनजाति के अंदर सूचीबद्ध किया गया और आपने देख आपके द्वारा और इस राज्य और देश में आपने देखने का काम किया, यह स्पष्ट है कि जो जातियों को सूचीबद्ध किया गया और अनुसूचित जाति में शामिल की गई उस तमाम जातियां आज आरक्षण के आधार पर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, UPSC की उच्च पद की बात हो, बिहार प्रदेश में और राज्य के जो BPSC है उसके पद की बात हो, सभी जगह आरक्षण का रोस्टर जो है स्पष्ट। हमने आधार के साथ जो लड़ाई बिहार के अंदर हम लोग ने जो शुरू की है कि हमारी सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक स्थिति अत्यंत दयनीय है और शैक्षणिक रूप से हमारा परिवार कमजोर है और जब तक आरक्षण नहीं दी जाती है तब तक हमारे समाज को निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रों में विकास नहीं हो सकता।